Hi guys, welcome back to our new video and today we are going to introduce a new segment on our YouTube channel that is Story Time. और Story Time में क्या है कि जिस भी incidents में मैं involved था या भी जो भी moment में मैं experience किया मैं सब आपको share करूँगा through Story Time. तो ये एक Story Time है कुछ दिन पहले का. मैं दिल्ली गया था मेरे कुछ काम के लिए. तो basically जैसा आप लोगों के साथ होता है ना कि यार travel से एक night पहले आप सो नहीं पाते हो और आप स्टार्ट कर लेते हो उसके बारे में थिंक करना और फिर ओवर एक्साइटमेंट में वो रेस्ट नहीं ले पाते एक दिन पहले. तो बिल्कुल सेम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे दिल्ली जाना था. मुझे दिल्ली ट्रैवल करने से पहले एक रात मैं सो नहीं पाया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्साइटमेंट. और फिर उसके बाद सुबह नाश्ता भी नहीं किया ठीक से. देन उसके बाद जब मैं दिल्ली पहुँचा उस डे में शाम को मैं दिल्ली पहुँचा और उसके बाद मुझे सुबह काम था. तो सुबह भैया ने मुझे लक्ष्मी नगर से हुड्डा सिटी सेंटर के लिए मेट्रो में बिठाया. अब जब भी आप दिल्ली में मेट्रो से ट्रेवल करोगे हुड्डा सिटी सेंटर के लिए लक्ष्मी नगर से बेसिकली तो आपको मेट्रो को चेंज करना पड़ेगा दो तीन बार. तो मुझे चेंज करना था हुड्डा सिटी सेंटर के लिए कश्मीरी गेट से मुझे चेंज करना था हुड्डा सिटी सेंटर के लिए. तो इफ़ यू ट्रैवल इन मेट्रो तो आप लोग जानते होंगे कि वो मजेंटा लाइन आपको और ग्रीन लाइन इस तरह की जो लाइंस होती हैं उन्हें फॉलो करके आपको ट्रेन चेंज करनी होती है ऑब्वियसली. तो उस टाइम की जब बेसिकली अभी कुछ दिन पहले की बात है तो वो लॉकडाउन उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा था और मतलब ऑल दिस थिंग पैंडमिक वाला जोर है फिलहाल अभी भी है. तो क्या हुआ कि उस टाइम पे कार्ड वैलिड थे और कार्ड इस तरह से वैलिड थे कि आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अगर आप कैश पे करते हो तभी आपका जो है आपका मेट्रो कार्ड वैल्यूएबल है मतलब वो मेट्रो कार्ड वैलिड है वरना वैलिड नहीं है वो. और आप कैश देके कॉइन खरीद सकते हो ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं था उस टाइम पे क्योंकि वो कैशलेस चल रहा था ताकि वो टच जो है नहीं हो पाए मतलब टच सिस्टम थोड़ा सा अवॉइड हो पाए कोरोना के लिए. तो मेरे को कश्मीरी गेट से हुड्डा सिटी सेंटर के लिए मेट्रो पकड़ना था. मैं मजेंटा लाइन पर चल रहा था और मेरे सामने ट्रेन था मेरा. मैं अपने मोबाइल में लगा हुआ था. मैं देख रहा था कि कहाँ से मुझे किधर को जाना है और मैंने उस टाइम पे अपने हेडफोन्स वियर कर रखे थे. पर मैंने देखा कि एक लड़का मेरी ओर आ रहा है चलता हुआ. ही इज़ लाइक थोड़ा सा नर्वस और मेरे से आके बोलता है कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हो. तो मैंने कहा हाँ मैं सुन पा रहा हूँ आपको. उसने इसलिए बोला क्योंकि मैंने हेडफोन पहन रखे थे उसे लगा कि शायद वो कोई गाना वाना सुन रहे हो इसलिए नहीं सुन पा रहे हो. तो मैंने अपने हेडफोन ऑफ करे एंड आई एम लाइक कि या बोलो कुछ कह रहे थे क्या आप. तो उसने बोला कि भैया ऐसे मुझे ना फला फला जगह जाना है और ये ग्रीन लाइन से मुझे मेट्रो ले जाएगी. मेरे पास ये सिर्फ एक कार्ड है और मेरे पास कैश नहीं है तो मैं मूव नहीं कर सकता आगे के लिए. और अभी ये यहाँ पे ट्रेन स्टॉप हो गया है ग्रीन लाइन अभी चलाया नहीं इन लोगों ने तो मेरे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊँ. तो क्या आप मुझे प्लीज़ हेल्प कर दोगे 20-30 रुपयों की. तो आई एम लाइक कि मैंने विदाउट अ सिंगल सेकंड मैंने सोचा उस बारे में. आई एम लाइक कि मैंने पॉकेट में हाथ डाला इनके ये लो 50 रुपये जहाँ भी जाना है जाओ और प्लीज़ सेफली जाना. और उसके बाद वो 10-20 कदम मैं ये बात कह के मैं चल दिया क्योंकि सामने ट्रेन खड़ा था मेट्रो का. तो इज़ लाइक कि अरे थैंक यू भैया लाइक वो उसने मुझे फॉलो किया लाइक नहीं ठीक है इट्स फाइन अब जाओ. और फिर वो चला गया. मैं अपनी मेट्रो ट्रेन में बैठा और फिर मैं हुड्डा सिटी सेंटर के लिए चला गया. इट्स लाइक कि फिर मैं ट्रेन में बैठा बैठा सोचता रहा कि यार उसने मुझे ठगा तो नहीं मतलब लाइक कि जैसे लोग आए आपके पास ऑब्वियसली आप भी आउटसाइडर हो दिल्ली में तो रहते नहीं हो और आप ट्रैवल कर रहे हो और आप जानते हो किसी भी अगर बाहर शहर में अगर आप हो तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी नीड है पैसा है. कहीं भी ट्रैवल करने को सबसे पहले आपको पैसा लगेगा. तो आई वॉज थिंकिंग कि यार उसने मुझे ठगा तो नहीं. मैं मतलब मेट्रो में चल रहा हूँ और मैं ये फ्रेज़ मेरे माइंड में बार बार घूम रहा है कि यार उसमें ठगा तो नहीं. एंड लाइक कि फिर आई रिमेंबर कि यार वैसे वो कपड़े तो ठीक ही पहना था. ऑब्वियसली आप किसी को जज करते हो तो उन कपड़ों से उसके स्टाइल से उसकी पर्सनैलिटी से जज करते हो. तो एक जेन्युइन और एक अच्छी फैमिली से लग रहा था तो आई फील कि ठीक है उसने नहीं ठगा होगा. बट देन आई थिंक कि यार अगर मैं उस लड़के की जगह होता जिसकी ग्रीन लाइन से मेट्रो नहीं चल रही होती आगे तो वो लड़का क्या करता. लाइक अगर मेरी जेब में कैश नहीं होता तो क्या मैं किसी से मांग सकता था कैश.
मैं शायद उतना करेज नहीं, उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि किसी से मैं कहता कि भैया मुझे 20-30 रुपयों की ज़रूरत है, क्या आप मुझे 20-30 रुपये दे दोगे? और फॉर एग्जाम्पल जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर मैं किसी से 20 रुपये मांग रहा होता अनजान शहर में और वो मुझसे मना कर देता तो क्या फील होता? इतना करेज उस लड़के ने जताया कि उसने मुझसे पूछा कि भैया क्या आप मेरी हेल्प कर दोगे? वो मैंने उसकी हेल्प करी, बट अगर मैं उसे अपनी प्लेस पर रखता हूँ, उसकी प्लेस पर मैं खुद को रखता हूँ, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा जो उसने किया। मतलब किसी भी अनजान आदमी से मैं रुपया नहीं मांग सकता, क्योंकि मेरे अंदर वो करेज नहीं है। तो फिर उसके बाद मेरे माइंड में वो थॉट आने लगा कि ठीक है, इसका मतलब वो नीड में था रुपयों की, इट्स नॉट लाइक कि उसे ज़रूरत नहीं थी या फिर उसने मुझे ठगा, ऐसा कुछ नहीं था। आई थिंक कि वो एक जेन्युइन केस था। बट फिर उसके बाद एक और थॉट मेरे माइंड में आने लगा कि मैंने किसी की हेल्प करी, दैट मीन्स आई एम अ गुड गाय। और जो कि हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है कि आपको जो नीडी लोग हैं और एट द मोमेंट ऑफ जिस टाइम पे उन लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, अगर आप उस टाइम पे उनकी हेल्प करते हो तो बहुत ही आप अच्छे आदमी कहलाओगे। तो मैं उस थॉट के साथ चल रहा था, मैं मेट्रो में बैठा बैठा सोच रहा था कि यार ये मैंने अच्छा किया, मैंने किसी की हेल्प कर दी, अब वो बेचारा अपने आराम से घर पहुंच गया होगा। फिर एक थॉट एकदम क्लिक हुआ कि यार किसी की हेल्प करी और आप खुद को एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग पा रहे हो, ये रीजन है क्या? मतलब किसी की हेल्प करके आप खुद को बेटर ह्यूमन बीइंग समझ रहे हो? तो फिर मेरे को ये लगा कि मेरे को ये आदत बदलनी चाहिए। ऑब्वियसली वो एक टाइम है, वो धीरे धीरे बदली जाएगी आदत को, वो एक सेकंड में तो आप ऐसे करके नहीं बदल दोगे आदत को। इट्स लाइक कि मैं चाहता हूँ खुद के लिए और जो भी लोग मुझे देखें उनके लिए भी, कि अगर आप किसी की हेल्प करते हो उसे गाया ना जाए, पहली बात तो हेल्प को, कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो उसे गाया ना जाए। मैं बना रहा हूँ इस वीडियो को मतलब ये नहीं है कि मैं इस वीडियो को गाने के लिए बना रहा हूँ कि मैंने किसी की हेल्प करी है, बिल्कुल नहीं। इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ कि ये जो थॉट है हमारे पास कि हमने हेल्प करी है और उसके बाद जो रियलाइजेशन है अपने सेल्फ में कि वाह आई डिड समथिंग फॉर समवन, मैंने किसी के लिए हेल्प करी, आई एम अ बेटर ह्यूमन बीइंग राइट नाउ, तो वो थॉट नहीं, बस वो एक थॉट होना चाहिए कि उसे ज़रूरत थी, मैंने उसको हेल्प करी, इट जस्ट बिकॉज कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैं खुद के अंदर एनरोल करना चाहूँगा कि यार कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऐसा कुछ नहीं था कि इसकी हेल्प करके मुझे अच्छा फील होना चाहिए या मैं चार लोगों को बता सकूँ कि अरे उस दिन ऐसा हुआ था, तुम्हें पता है क्या, तो उस दिन ऐसा हुआ था। लाइक मैं बहुत सारे लोगों के साथ बैठता हूँ उठता हूँ और वो बताते हैं कि यार हमारा दिल तो बहुत सॉफ्ट है, भिखारी को देख के हम 50 रुपये दे देते हैं, 10 रुपये दे देते हैं, उस दिन ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। दैट टाइम आई वॉज रियलाइज कि यार वो किसी को बताना इज द रॉन्ग थिंग, आपने हेल्प करी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी सोसाइटी का, ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है, ये आपके नेचर का एक पार्ट है कि आप किसी की हेल्प करो और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आई होप आई एम एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर कि अगर आप किसी की हेल्प करो तो उस प्राइड के साथ, वो एक फीलिंग के साथ आप जरूर निकलो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैंने किसी की हेल्प करी, बट उसे इस तरह से नहीं कि मैं गा दूँ और मैं सारे लोगों में कह दूँ कि मैंने हेल्प करी है, ये किया है, वो किया है। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए किसी भी आदमी की, किसी भी आदमी को देखकर कि हाँ मैंने हेल्प करी और ये एक मेरा रिस्पॉन्सिबल वर्क था।